राजनयिक से राजनेता बने मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अय्यर ने न केवल नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताया बल्कि यह भी कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे बल्कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था। वे 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर अब नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष भड़क गए हैं। सुभाष तेलंगाना में बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की अपमानजनक टिप्पणी की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसी अपमानजनक भाषा और एक समर्पित नेता की विरासत को धूमिल करने का प्रयास करते देखना निराशाजनक है। बाद में न्यूज चैनलों से बातचीत में एनवी सुभाष ने कहा, कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं को उनके निधन के बाद बदनाम करने की रही है ताकि वंशवादी गांधी परिवार की छवि को बेहतर दिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। सुभाष के मुताबिक कांग्रेस ने कभी भी अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं दिया और खासकर नरसिम्हा राव को जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सुभाष ने अय्यर पर पलटवार करते हुए कहा, गांधी परिवार के करीबी पूर्व राजनयिक ने कभी भी नरसिम्हा राव से उनके कामकाज के बारे में सवाल नहीं किया लेकिन अब उनकी मौत के 19 साल बाद उन्हें सांप्रदायिक बताकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। अय्यर ने नरसिम्हा राव को लेकर यह विवादित बयान अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान दिया। इस किताब का हाल में ही विमोचन हुआ है। अय्यर दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के महावाणिज्य दूत रहे हैं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने पाकिस्तान के अपने कार्यकाल का पूरा अध्याय समर्पित किया है। किताब के विमोचन के मौके पर अय्यर ने न केवल नरसिम्हा राव को लेकर विवादित बयान दिया बल्कि पाकिस्तान और भारतीय राजनीति को लेकर भी कई ऐसी बातें कही हैं जिस वजह से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। अय्यर ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को बहाल करने की भी वकालत की। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर विवादों में पड़े हैं। वे कई बार अपने बिगड़े बोल को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुए हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया चाय वाला बयान सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा था। अक्सर देखा गया है कि चुनावों से पहले इस तरह के बयान देकर अय्यर पार्टी का नुकसान करवा चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी जुबान फिसल ही जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।